गांव से निकल कर एक Yeah.
चुके हैं बाहर, एक दो रिकॉर्ड कर लिए मैंने गाने, अब देखूंगी अगर कुछ दिक्कत नहीं होगी तभी डालूंगी वरना नहीं डालूंगी।
और ये मेरा बेटा यहाँ पे कर रहे थे तकड़े, यहाँ पे बड़ी इज्जत दे रहे हैं आपको। हाँ यहाँ पे आओ, इसने नहीं बैठने दिया इसने। मम्मी पता है बोल भी रही थी कि इसको छोड़ देते, कल नहीं आएंगे। अच्छा कल इंदर आ रहे, आ रहे हैं कल आएंगे हम। साना दीदी के साथ ही जाओगे आप? हैं? हाँ। तो दगड़ियों आप थोड़ा सबसे ऐसे टहलते हैं यहाँ पे, लोग तो अब आ रहे हैं बट सच में अभी मजा आ रहा था, लेकिन अब क्या करें, बहुत देर में आए। मुझे यहाँ की ये चीज बहुत बेकार लगती है कि ये लोग 6:30 बजे का टाइम था इनका, पता है कि 6:30 बजे आ जाएंगे, लेकिन ये 8:30 बजे आए स्टेज में। ये हे गाड़ी जा रही है, सच में मुझे मतलब सच में स्ट्रेस हो, मुझे ज़्यादा इसीलिए पसंद नहीं आते हैं लोग। एक तो टाइमिंग, ये लोग बोलते हैं कि मतलब 6:30 की टाइमिंग थी इनकी, लेकिन 6:30 छोड़ के ये आए 8:30 बजे, तो ये बड़ी दिक्कत हो गई। अब बच्चे वाले जो होते हैं ना वो नहीं हो पाते, कई लोग तो बेचारे चले गए वापस, पता है कई लोग वापस चले गए, अब क्या करते हैं। बहुत होता है जो लोग दूर से आते हैं वो लोग नहीं वेट कर पाते ना, यहाँ पे डॉगी देखना, वाओ आगे कहाँ जा रहा है, यहाँ देखना बच्चों के साथ कहाँ होता है। और मम्मी कह भी रही थी कि अरे तुमने इसको इधर ही छोड़ देना था, मुझे ध्यान ही नहीं आया इसको छोड़ने का, कल इनकी छुट्टी भी थी, मम्मी के यहाँ रह लेती। अब देखते हैं यहीं पे कुछ खा लेते हैं हम लोग, डोसा अब यहीं पे खाते हैं दोस्तों, कुछ डोसा वगैरह और ये चीज़ क्या होता है ये। चलो ले लिया ना, जिद नहीं करना, इसने एक बबल से ले लिया। टूट दोस्तों अब हम निकलते हैं, रात भी हो चुकी है, 9:30 हो गया। अगर ये नहीं होती ना हमारे साथ तो हम 10-11 बजे आराम से जा लेते घर। बहुत भीड़ हो रही है दोस्तों, बहुत भीड़ सच में। बाहर निकलो ना तो ऐसा लगता है कि यार अभी तो कुछ भी टाइम नहीं हुआ है, हम लोग तो 9 बजे सो जाते हैं ना, इसलिए हमें थोड़ा अजीब सा लगता है। और हम 14 तारीख को आने की भी सोच रहे हैं, 14 तारीख को आएगी प्रियंका मेहर और उनके साथ कोई और है। परफ्यूम देखो वहाँ परफ्यूम, ये देखो इनकी नजर, मैंने इनको बताया परफ्यूम देखो सब मिक्स हो रहा है। हाँ इसकी भी अच्छी लग रही है। हाथ लगाना जरूरी होता है, ये पत्थर में है, ये पत्थर में है बेटा, वो पत्थर में ये देखो, ये है वैदिक घराट। अभी हाथ मत लगाओ, जैसे पहाड़ों में चक्की वक्की होती थी ना, पानी में होता था ये घराट, वही है ये। ये देखो यहाँ पर रखा है ये आटा वाटा पीसने के लिए। और ये है भांग। चलते हैं अब हम घर। है यहाँ पे भी तो दिख रहा है पवनदीप। ए रुको एक मिनट जरा, यहाँ पे भी तो दिख रहा पवनदीप। जरा एक फोटो तो खींचो यार मेरी। ये देखो दगड़ियों कितने प्यारे लग रहे हैं देखने, बट मेरी ऐथी बहुत अच्छी, अब जीत नहीं करेगी है ना ये तो। हाँ अब घर पे उड़ाना ठीक है, गिराना मत उसको। और ये देखना 14 तारीख को प्रियंका मेहर और दर्शन फरसवान जी का है आज तो, ये है पवनदीप राजन, नहीं छोड़ो। 14 तारीख को लास्ट है प्रियंका मेहर का और दर्शन फरसवान का, इनका ही है। तो हो सकता है हम 14 को भी आए, क्योंकि 15 को इसकी छुट्टी है तो बढ़िया है फिर, बट उस दिन मैं इसको इधर लेके नहीं आण, इन दगड़ियों या बहुत परेशान कर दी ये दगड़, जरा गड़ो रिम्बुन पुर दुना। हाँ ओके ओके ओके, या दगड़ियों इधर गड़ो समझा मैं, या भाई गड़ो रिम्बुन। अब तो चलो हम मेन रोड में आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं घर। हाँ यहीं पे ही हम, हाँ गाड़ी लेके आओ तुम, यहीं पे रहते हम। तो देखो दोस्तों चकाचक शहर की चकाचक, और ये गाड़ी लेके आ रही है। तो चलो दोस्तों मैं अपनी शानदार महफिल के साथ अपने इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ जिसे भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
मिलती हूँ अगले फिर ऐसी मजेदार ब्लॉग के साथ, तब तक ले बाय बाय, शुभ रात्रि।